जब भी कोई वॉर, पैंडमिक या फिर किसी भी क्राइसिस के चलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में बदलाव होता है, तो ऐसे वक्त में शेयर मार्केट में भी उथल पुथल देखने को मिलती है। कोरोना पैंडमिक हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, अब कुछ इसी तरह के हालात इसराइल और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के बीच जारी जंग के दौरान भी देखने को मिल रहे हैं। इसका असर इंडिया समेत दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिलने लगा है। इजरायली मार्केट तो पहले से ही धराशायी है और सोमवार को इंडियन स्टॉक मार्केट भी खुलते ही धड़ाम हो गए। बीएससी का सेंसेक्स इंडेक्स करीब 500 अंक तक टूट गया है। किन कंपनियों को नुकसान हुआ है, मार्केट कैसा चल रहा है और किस किस चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के चलते बड़ी चिंताओं के बीच वीक के पहले कारोबारी दिन शेयर मार्केट ने गिरावट के साथ लाल निशान पर अपना कारोबार शुरू किया। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में सुबह 9:20 पर 452 अंकों की गिरावट लेते हुए 65,525.65 के लेवल पर पहुंच गया था। मार्केट खुलने से पहले ही प्री ओपनिंग मार्केट में सेंसेक्स 302.86 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया था। इससे पहले अगर हम शुक्रवार की बात कर ले तो शुक्रवार को घरेलू बाजार में बढ़िया खरीदारी दिखी थी और बीएससी सेंसेक्स 364 अंक मजबूत होकर 65,995 के लेवल पर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लाल निशान पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। एक तरफ जहां प्री ओपनिंग मार्केट में सुबह 9:02 पर निफ्टी 93.65 अंक फिसल कर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं मार्केट ओपन होने के साथ ही इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये शुरुआत में ही 140 पॉइंट तक टूट गया और 19,500 के करीब ये पहुंच गया है। सोमवार को जब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली तो इसका असर बीएससी में लिस्टेड कंपनियों पर भी पड़ा। शुरुआती गिरावट के चलते बीएससी का मार्केट कैप शुक्रवार को 320 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 316 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही मिनटों में बीएससी में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के 4 लाख रुपए डूब गए हैं। तो जैसा आपको बताया, सेंसेक्स करीब 500 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 19,500 अंक के करीब आ पहुंचा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और सुजलोन के शेयर्स में 5% की गिरावट आई है। अडानी पोर्ट्स का शेयर भी 2.92% फिसल गया है, जबकि VIX में 12% की तेजी आई है। सेंसेक्स के शेयर्स में टाटा स्टील, SBI, NTPC, JSW स्टील और इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो टेक कंपनीज है, HCL है, TCS है, इंफोसिस है, इनके शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात कर लें तो निफ्टी PSU में 2.5% की गिरावट आई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट आई है। जिंदल स्टेनलेस, NMDC और सेल में गिरावट से निफ्टी भी करीब 2% गिरावट के साथ खुला। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप 100 में 1.4% और स्मॉल कैप 100 में 1.8% गिरावट आई है। इससे पहले भारतीय बाजार से शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 90.29 करोड़ शेयर बेच दिए थे। अब आपको बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट VK विजय कुमार ने कहा है कि इसराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट से मार्केट में भारी अनसर्टेनिटी दिख रही है। किसी को भी नहीं पता कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर बाजार के रेफरेंस में देखा जाए तो ये जानना जरूरी है कि इससे भारी तबाही हो सकती है, लेकिन इससे तेल सप्लाई में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा डिसरप्शन होने की आशंका तो नहीं है। लेकिन अगर ईरान भी इस लड़ाई में कूद जाता है तो फिर स्थिति बदल सकती है और इससे तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। आपको पता ही है कि इसराइल और हमास की जंग का सबसे बड़ा जो असर है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतों में 4% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कच्चे तेल के भाव में तेजी का जो इम्पैक्ट है वो तेल कंपनियों पर भी पड़ता नजर आ रहा है, जो कि जाहिर सी बात है। सोमवार को कारोबार की शुरुआत के साथ ही भारत ब्रिटिश पेट्रोलियम लिमिटेड का शेयर यानी कि BPCL का शेयर 2.35% गिरकर 339.05 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अब आपको ये बताते हैं कि गोल्ड पर इसका क्या कुछ असर हो रहा है। तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर से गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ऐसे में आने वाले दिनों में गोल्ड का जो प्राइस है वो अपना हाई लेवल टच कर सकता है।
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुले थे, लेकिन कुछ देर के बाद में इसमें 1.18% की उछाल आई और ये 57,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि शेयर मार्केट पे और क्या कुछ असर देखने को मिलता है। एशियाई बाजारों पे अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। यूएस की मार्केट जब ओपन होगी तो वो भी रिएक्शन सामने आ जाएगा। गोल्ड में तेजी हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है अपना ऑल टाइम हाई ये अब फिर से एक बार टच कर ले। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।